व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल स्त्री वर्ल्ड। आज मैं आपसे 2 से 3 टॉपिक्स पर बात करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं इस टॉपिक पर बात करूंगी कि जिनका एग्जाम 21st और 22nd को हुआ है उनको थोड़ा नुकसान हो गया है, क्योंकि देखिए जब 21st को पेपर आने वाला था तो किसी को नहीं पता था कि पेपर का लेवल क्या होगा और किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो देखिए हिंदी में रिमझिम से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए, तो हमारे शिफ्ट में भी 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो 4 क्वेश्चन में मेरे केवल एक ही क्वेश्चन सही हुआ, बाकी मेरा 3 क्वेश्चन जो है वो गलत हो गया। तो कहीं ना कहीं 21 वालों को तो नुकसान हुआ है, और साथ ही साथ अगर मैं कहूँ 22 तारीख को जिनका एग्जाम था उनको भी कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है, क्योंकि अगर उनको थोड़ी देर पहले ही पता चलता है कि रिमझिम बुक से क्वेश्चंस आ रहे हैं या फिर इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो वो उतनी देर में क्या ही पढ़ लेंगे। तो इस तरह से 21st और 22nd को जिनका एग्जाम था उनको कहीं ना कहीं थोड़ा नुकसान तो हुआ है, लेकिन मैं ये भी बात कहूंगी कि जिनका 23rd को पेपर है या 24th को पेपर है, ऐसा नहीं है कि उनके पेपर में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जो बिल्कुल न्यू हो। मैं आपको यही कहूंगी कि अगर आपका 21st और 22nd को एग्जाम था और आपके क्वेश्चंस कुछ गलत हुए हैं जो कि न्यू क्वेश्चंस डाले गए होंगे, तो उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि अगर एग्जाम 23rd, 24th या 25th को होगा तो उसमें कोई भी नए क्वेश्चन नहीं डाले जाएंगे। देखिए KVS है ना, वो ऐसा ही एग्जाम लेता है और उसको पता है कि हर शिफ्ट में वो 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे डालेगा जो कि थोड़े टफ लेवल के होंगे, और 5-6 क्वेश्चन ऐसे भी डालेगा जो कि बिल्कुल न्यू होंगे। तो अगर मैं कहूँ कि आगे अगर 28 तक की मैं बात करूं तो हर शिफ्ट में कुछ ना कुछ नए क्वेश्चंस डाले जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन का पेपर हमेशा ऐसे ही डिजाइन किया जाता है कि हमेशा कोई ना कोई नया क्वेश्चन उसमें ऐड होते रहे। और अगर मैं बात करूं हिंदी के रिमझिम बुक की, तो बहुत सारे टीचर्स ने उसको पढ़ाया है, उसकी वीडियो यूट्यूब पर अभी अवेलेबल है। तो आप में से जिनका भी एग्जाम आज के बाद है, आप सभी उस सब वीडियो को देख लीजिए और एक एक बार कम से कम जरूर देख लीजिए। अगर बहुत छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज होती हैं तो अगर आप उसे देख लेंगे तो कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये कैसा क्वेश्चन है और आप उसे आसानी से टिक कर पाएंगे। बात करूंगी कि पेपर हमारा इजी आया या मॉडरेट आया या टफ आया। देखिए अगर मैं बात करूं पेपर की तो 100 से 120 क्वेश्चन ऐसे थे जो इजी थे। अगर आपने सीटेट का एग्जाम दिया है या किसी भी तरह से टीचिंग एग्जाम से जुड़े हुए हैं तो आप 100 क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे, अगर मैं 20 से 25 क्वेश्चन की बात करूं तो वो मॉडरेट लेवल के थे। मतलब उसमें आपको अपना थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, और ऐसे क्वेश्चंस थे मतलब जिन्होंने इन 2 महीने में अच्छे से पढ़ाई की होगी तो वो उस मॉडरेट क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जहां पर आपको बहुत ज्यादा अपना दिमाग लगाना पड़ रहा था, वहां पर एक चीज बहुत मैटर करती है कि कॉन्सेंट्रेशन। जिन्होंने बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से पेपर दिया होगा, CDP के हर एक क्वेश्चन में बहुत ज्यादा दिमाग लगाया होगा, तब उनका वो क्वेश्चन जो है वो सही हो पाया होगा। तो इस तरह से मैं ये कहूंगी कि पेपर इतना इजी नहीं था कि जिसने पढ़ाई नहीं की है केवल सीटेट पास किया है वो भी जाकर एग्जाम दे और आराम से बढ़िया नंबर से पास हो जाए, और पेपर इतना टफ भी नहीं था कि जिसने मेहनत की है वो फेल हो जाए। तो मेरे अकॉर्डिंग पेपर का लेवल जो था वो मॉडरेट था, ना इजी था ना टफ था। क्वेश्चंस ऐसे दिए गए थे कि उसमें इजी क्वेश्चंस भी थे, मॉडरेट क्वेश्चंस भी थे और टफ क्वेश्चंस भी थे। अगर मैं अपने एग्जाम की बात करूं तो मेरे शिफ्ट में CDPU के 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें आप डायरेक्ट 2 ऑप्शन को तो आराम से इलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन 2 ऑप्शन ऐसे थे जहां पर आप इलिमिनेशन लगा ही नहीं सकते। आपको लग रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये ऑप्शन भी सही हो सकता है और ये ऑप्शन भी सही हो सकता है, तो बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन का स्टेट वहां पर बन गया था। और जिन्होंने ये एग्जाम दे दिया है वो मेरे से जरूर रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि सभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे जहां पर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा और आपको लगेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। अगर मैं बात करूं कि FLN की, कल मैंने ये FLN से रिलेटेड एक क्वेश्चन बताया भी, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि FLN का जो अचीविंग ईयर है वो 2026 से 27 है, 2000। लेकिन मैं आपको बता दूं 2026 से 27 ऑप्शन में नहीं था। जिन्होंने पेपर में सेकंड शिफ्ट में 21st को दिया होगा एग्जाम उनको पता होगा 26 से 27 जो है वो ऑप्शन में नहीं था, तब मैंने 2025 टिक किया। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपने जितना भी पढ़ा है आपको थोड़ा वहां कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा। देखिए NEP 2020 ने कही थी कि FLN को हमें 2025 तक अचीव करना है, और बाद में उन्होंने इसकी डेट को बढ़ा दी थी, 2026 से 2027 कर दी थी। लेकिन जब ऑप्शन में 2026 या 2027 नहीं है तब आपको ऑटोमेटिकली 2025 ही टिक करना पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस थे, कंफ्यूजिंग थे, जहां पर आप इलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं कहूंगी कि अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन से जाइए, अपना मूड ठीक करके जाइए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सुबह किसी से भी लड़ाई झगड़ा आपका ना
हो, किसी भी आप झंझट में ना फंस जाए और आराम से टेंशन फ्री होके जाइए और तब जाके आप एग्जाम में कॉन्सेंट्रेट कर पाइएगा। और एग्जाम में जाने के बाद भी वहां पर सबसे बातचीत मत करते रहिए कि आपने क्या पढ़ा है, आपने क्या पढ़ा है। आपको केवल अपने ऊपर फोकस करना है और अपने पेपर पे फोकस करना है और अपने पेपर को अच्छे से करके आना है। तो मैं यही कहूंगी कि पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट था, बहुत ईजी नहीं था, इसलिए अभी जिनका एग्जाम है आप रिलैक्स मत हो जाइए कि हाँ बहुत ईजी पेपर है तो अब तो हम कम कम पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा। नहीं, आपके पास जितना भी टाइम है उसमें मैक्सिमम पढ़िए, मैक्सिमम आउटपुट दीजिए, एनालिसिस साथ में देखते चलिए, क्योंकि एनालिसिस देखने से भले ही क्वेश्चन रिपीट हो या ना हो लेकिन आपको कम से कम इतना तो पता चल जाता है कि हिंदी के रिमझिम बुक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, इस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो यहां पर एनालिसिस का क्या होता है कि फायदा हो जाता है। अब मैं आपसे बात करूंगी नॉर्मलाइजेशन की। अगर मैं 21 वालों की बात करूं जिनका 21 को एग्जाम था, तो उनके लिए पेपर बिल्कुल नया था और उनके एग्जाम में बहुत सारे न्यू क्वेश्चंस पूछे भी गए थे, तो उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा होगा कि अगर मेरा सेकेंड डे एग्जाम होता तो मैं भी 4-5 क्वेश्चन की एक्स्ट्रा तैयारी कर लेती। और अगर मैं बात करूं 28 वालों की, तो कहीं उनके साथ ऐसा ना हो जाए कि उनको ये लगे कि सारे क्वेश्चन तो पूछ दिए गए हैं और उनका पेपर बहुत टफ आ जाए। तो अगर ऐसा डिफरेंस क्रिएट होता है एग्जाम में तो केवीएस जरूर नॉर्मलाइजेशन करेगा। अभी उन्होंने नॉर्मलाइजेशन की कोई बात नहीं की है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन होने से ये फायदा हो जाता है कि जिनका 28 को एग्जाम था या जिनका 21 को एग्जाम था तो उनके साथ थोड़ा जस्टिफिकेशन हो जाएगा। और बाकी सारे शिफ्ट में भी जिन स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है उनके साथ भी नॉर्मलाइजेशन से जरूर जस्टिफिकेशन होगा। अगर मैं DSSB की बात करूं तो DSSB में भी नॉर्मलाइजेशन किया गया था, तो मुझे ऐसा लगता है कि KVS में भी किया जाना चाहिए। हालांकि KVS ने अभी तक नॉर्मलाइजेशन की बात अपनी तरफ से नहीं की है, लेकिन जब भी KVS ऐसी कोई बात करता है तो ये न्यूज़ मैं आपको जरूर बताऊंगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह की वीडियो के साथ मैं आपसे मिलती रहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।